यार फिर से। हाँ एलआईसी जी बोलिए। अरे यार किधर रह गए हो यार, कब से वेट कर रहे हो, पता है स्टेशन आने ही वाला है। अरे यार एलआईसी जी आप चिंता मत करिए ना, हम पहुँच रहे हैं, आप बैठे हम आ रहे हैं। चिंता तो आपको करने की जरूरत है, देख लीजिए अगर ये स्टेशन छूटा ना तो जिंदगी भर के लिए जो मेरा हाथ ना वो भी छूट जाएगा आपके हाथों से। यार आप ये बात बात पे ये धमकी क्यों देने लग जाती हैं आप? आप धमकी क्यों दे रही हैं? ये रिक्शा जो है ना पेट्रोल से चलता है, धमकी से नहीं। चलता तो पेट्रोल से है लेकिन धमकी से ना उड़ने लगेगा। अरे लाइसी जी अब हम करें भी तो क्या करें? देखिए भाई साहब हम आपको बता रहे हैं आप तेज चलाइए रिक्शा वरना हम बता रहे हैं हमारा पेट खराब हो रहा है, हम कुछ कर देंगे अभी। अरे नहीं 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 अरे नहीं हम तेज चला रहे ना। हम एलआईसी जी इससे तेज नहीं हो पाएगा, आ रहे हैं हम। हाँ तो एहसान मत जताइए ना, गलती आपकी और आपके छोलों की है समझे। हाँ एलआईसी जी गलती हमारी है, मान लिया हमने, जिंदगी भर छोले नहीं खाएंगे हम। अब फोन तो रखिए हम आ रहे हैं ना एलआईसी जी, प्लीज आने तो दीजिए हमें। हाँ रखिए। क्या हुआ? इसमें टंटे हो रखे, पता नहीं कहाँ अटके हुए, हद्दी हो गई है यार। किधर है? इधर इधर चल। बहुत ढीला आदमी है ये, थोड़ी देर और रोक लेना भाई साहब। अब करें क्या, नया ऑटो है। हाँ देख लीजिए फिर, नया ऑटो खराब हो जाएगा आपका, बता रहे हैं हम। बस भैया थोड़ी देर और बस। हाँ अरे अरे बेटा आराम से उतर, जरा देख के एक मिनट। सर जी आराम से। अरे रुको ये क्या है, एकदम उतर पड़े ट्रेन, रुकी ना वैसे ही। अरे सुन, वाह वाह मिसेस पंचम, है आप पंचम को छोड़कर ट्रेन में घुस गई। अरे पापा वो आने ही वाले होंगे, बस वो ये जो पिछला वाला स्टेशन ना, स्टेशन से थोड़ा ही दूर है। अरे अच्छा हुआ बर्तन में आया, मुझे कोई फर्क ना पड़ गया। सेठ जी हमारे गुग्गू का नाम पंचम है। अच्छा ठीक है सर, मैं कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ। हाँ ले लो ले लो। सेठ जी 5 समोसा पैक करा लियो, और चटनी ना खट्टी वाली रखना, खट्टी खट्टी चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ना अंकल जी मेरे चिप्स चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक लाना प्लीज। कोई बारात में ना आया यहाँ पे तो मैं लेके आऊंगा। अरे सेठ जी अच्छा ठीक है आ रहे हो लेकर। थैंक यू। सिलू सबर रख, पक्का जिया जी आ जाइए स्टेशन में, उन्होंने बोला है ना। अरे यार जैसे पिछले स्टेशन पे आ गए थे, मैंने इतना हाथ देने की कोशिश की, हाथ पकड़ लेते तो क्या चला जाता उनका। अरे कैसी बात कर रही हो इलायची जी, एक तो बेचारे की पहले से ही हालत खराब हो रखी, ऊपर से आपकी धमकी ना उसकी मतलब हालत बिल्कुल पतली कर दी, प्रेशर बनने थमने का नाम ही नहीं ले रहा, बन ही जा रहा है, बन ही जा रहा है। तो मैंने कहा था वो रास्ते के छोले भटूरे खाने के लिए। लो यार सबर कर, तू चिल्ला क्यों रही है, तू शांत हो जा, जीजा जी आएंगे, मूड मत खराब कर। लो मूड अच्छा करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार देख जीजा जी आ जाएंगे ना फिर तो मजे ही मजे हैं। हाँ बस आ ही जाए पापा। अरे सुन बर्तन आया क्या? अगला अगला अरे अगला स्टेशन 300 किलोमीटर के बाद आएगा। मैं फोन कर रही हूँ। अरे सुन सुन अरे ट्रेन चलने वाली, चल 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 अरे पर चल चल अरे चल 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 अरे तुम लोग ना ऐसे ट्रेन छोड़वाओगे किसी दिन। इतना अजीब लड़का है ये, देखा मेरे पैसे बर्बाद करवा दिए और एक पापी कम हो गया 16। अरे सेठ जी ये है ना छटंकी, इसके रहते कोई कमी ना पड़ेगी, ये अकेला 4 पापियों के बराबर है। ऐसा है हवलदार साहब, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरी बेइज्जती करने का लाइसेंस मेरे जीजा के पास में है, तुम ज्यादा मत बोलो वरना सबके सामने पोल खोल दूंगा। जब तुम मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हो ना तो मैं 10 कन वो नीचे फेंक देता हूँ, तुम उसे बटोरने के चक्कर में मुझे भूल जाते, बता दूंगा सब बता रहे हो। अरे ललित अंकल मैं तेरा काई को अंकल हो रखा। अरे ठीक है ललित भैया, मैंने बड़ी बड़ी पिक्चरन में देखो ट्रेन में लड़का लड़की प्यार है यावे है। हाँ आज तू असल जिंदगी में भी देखेगा, तुम भी देखोगे। हाँ जब इलायची को मुझसे प्यार होगा। तुमसे प्यार हुआ है? मैं कहा मरूं, मैं यहाँ खाकर भी आया हूँ, भुजिया छील भी आया हूँ क्या। इलायची के पापा ये लो शक्करपारे खा लो, अपना खून मत जलाओ, लो अपने भाई के मुंह में ठूस दे जिससे थोड़ी देर ये चुप रहे। ले खा ले, ले। के कह रहे हैं जी ला मुझे दे दे मैं खा लूंगा। क्या यार सुनो तू, प्रणाम सेठ जी हम आ गए। Thank you.
आ गया तो अगले स्टेशन में मिठाई खरीद कर बच्चों में डलवा दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, इतनी देर से जो खून जलाया उसका क्या, वो खून बनाने में कितनी कितनी कितना खर्चा आएगा बता दीजिए। सही बात। सॉरी सर जी, हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे अब। हाँ हाँ, नुकसान अगर करेगा ना तो तेरी तनख्वाह में तो काट लूंगा। सुन करू, चाय दे दे इसे, वो भी तनख्वाह से कटेगा इसका पैसा। सॉरी सर जी। क्या हुआ एलआईसी जी, आपको हमसे लड़ना नहीं है? आपका गला दबाना है बल्कि आपको क्या लगता है कि बदमाशी करने का हक सिर्फ आपका है? अच्छा ये सब छोड़िए ना, इतना मजा आ रहा है ना, इस पल में जीते एलआईसी जी। अब देखिए ना, आपसे दो पल के लिए पिछड़े और पूरे अंदर तक खेल गए और अभी तक खेल रहे हैं। अपने अंदर का जो मछलू है ना, इस थोड़ा काबू में रखिए। वो क्या ना कि आप नहीं हिल रहे बल्कि ट्रेन आपको हिला रही है। ओके जीजा जी, ये कहा ठीक है, तुम पर बता दियो शादी कब होगी मेरी। बैठेगा जूते मिल गए तुझे और नए। अब सुनो बेटा, ये अचार सबको दे दे। हाँ आराम से खोलो आराम से। अरे भाई मीठे मीठे का प्रबंध है कि नहीं है? हाँ हाँ पंडित जी, मीठा खट्टा नमकीन सब है, और उसे हजम करने के लिए हाजमे की गोलियां भी है चूरन की, और अगर उससे भी मन ना भरे तो मीठा पान भी है। आराम से सो जाओ, ये सब आपके सपने में आ जाएंगे। अरे भैया वो इलायची के पापा, पंडित जी से तो ऐसे बात मत करो, मेरे तो भाव ही फूट गए। देखो भैया ऐसा है, मेरा एक पराठे से कुछ नहीं होगा, कम से कम दो दीजिए मुझे भैया। सारे पराठे से ही खिला दो, इसका गोदाम भरो, इसे दूसरों की तो चिंता है ना, खा ले सब कटोर दाल पूरा। बात कर रहा बेकार की। चीजा जी पराठा लीजिए ना। नहीं नहीं जी, आलू का पराठा रहने दीजिए, वरना हमें दोबारा अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं? हाँ भाई क्या हो रहा है छोटे, मतलब टाइम पास कैसे कर दिया है? तू पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी इसके बारे में तो आपको ज्यादा पता होगा, टाइम पास के बारे में। बेटी जी बताओ दरोगा जी, मतलब आजकल कहाँ की सैर चल रही है? ना मतलब सैर तो कहीं नहीं कर रहे थे पिंकी जी, ना थाने से निकले तो सोचे कि भाई फ्री है तो चलो ठीक है, तेरे हाथ से कुछ चंपी करवा लेते, बस ये सोच के पिंकी जी यहाँ आ गए। वैसे क्या है ना, मंगीलाल जब यहाँ होता ना तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती पिंकी जी को। अरे कैसी बात कर दी, लो इसी बात में बैठ जाओ, ये रख दूँ यहाँ। हाँ हाँ लेकिन सुनो, आराम से बैठिए, हल्के फुल्के लोगों के लिए है कुर्सी, आराम से आराम से। मजाक कर रहे हैं, तू भी जरा हल्का फुल्का ही करियो, बहुत ज्यादा वाला मत कर दियो। ऐसे बैठा ना। अरे अरे बैठ तो, अभी तो शुरू ना हुआ। तू कर यार आराम से कर। आ रहा मजा? हाँ ऐसे ही करूंगा दरोगा जी, मतलब फुरफुरी छूट जाएगी। अच्छा फुरफुरी? हाँ वैसे एक बात बताऊं दरोगा जी, हाँ कसम से कह रहा हूँ, जब तक सेठ जी की मतलब मसाज ना कर दूं ना, हाँ। उनके बगल के ना बना दूं, उनके मतलब ये जो खोपड़ी में तबला ना बजा दूं ना, हाँ। दिल को चैन ना मिलता। बड़ी याद आ रही है। छोटे 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 से, सच्ची बताए तो पिंकी जी को बिना मंगीलाल की बहुत याद आ रही है यार। एक काम करूं क्या? ऐसी बैठो सुनो, मंगी की अगर ज्यादा याद आ रही हो ना तो तुम कहो तो दो चार बेइज्जती के बोल दूं। मंगी की याद आ रही हो तो अरे बोलो बोलो। एक मिनट पिंकी जी की आंख क्यों फटक रही है? ऐसा लग रही है जैसे कोई बुरी खबर एकदम ताक लगाए बैठी है। दरोगा जी ऐसा तो ना है कि मतलब बहुत ही घटिया जगह तुम्हारा तबादला होने वाला हो, जहाँ तुम कुत्ते की मौत मारी जाओ। होटे इतने खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पिंकी जी कहीं ना जाने वाले दिल्ली छोड़ गए, क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पर छोटे कोई चक्कर और है जरूर,
एक बात कहूं दरोगा जी? क्या? ऐसी बैठो। हाँ। सही करो खोपड़ी। हाँ। उड़ाना सही से। वैसे मैं दरोगा जी ये कह रहा था, चक्कर चलाने वाले जितने थे ना अपने मोहल्ले में चांदनी चौक में, सारे के सारे तो कुंभ निकल लिए। हाँ लेकिन, अरे लेकिन मेरा एंटीना सिग्नल दे रही है छोटे। हाँ। ये मैं बता रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ ऐसा है, पिंकी जी को लग रहा है हमारे जो संगी साथी है ना। हाँ। उनके साथ नहीं कुछ उल्टा सीधा होने वाला हो। एक काम करना तू। हाँ। तू सेठ जी को फोन लगा और पूछ। ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उनकी नई नवेली दुल्हन हूँ। अब पति मतलब गया ऑफिस और मैं लगा दिया फोन। सेठ जी ऑफिस पहुंच गए, अच्छा लगता है। हो गया तेरा? क्या कर रहा तू? खोपड़ी सीधी कर साले। ना ना मैं तो उसकी याद आ रही थी ना, तो उसकी याद दिला रहा था। अच्छा ये क्या कर रही है, पागल है क्या? बचपन से दिल्ली में रह रहा हो। जीजा यार तुम एक बात बताओ, तुम गंगा में सबको डुबकी लगवाने ले जा रहे हो या बहाने ले जा रहे हो? हमारे सबके सब मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, ये कोई बात है यार मेरे? अरे यार तुम लोग यार मेरे, एक काम कर, लहंगा पहन कर नाच ले और सबका मनोरंजन कर। बात कर यार कर दे। जी ऐसा है भैया, ट्रेन रुकवा दो, हमें उतार दो यार। जब देखो ये आदमी हमारी बेइज्जती करता रहता है, हम इतनी बर्दाश्त नहीं करते किसी की यार। ये कोई तरीका है बात करने का यार मेरे? ना तो यार इलायची के पापा पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे भाई से, मैं तो भाव ही फूट गए। हम क्या कह रहे, किसी के पास ताश की गड्डी ना है? नहीं मतलब ताश के पत्ते मिल जाए ना तो एक दो हाथ खेल लें। सच बता रहे, मतलब दहला पकड़ खेलेंगे ना तो एकदम टाइम कट जाएगा, पता भी ना चलेगा कब कुंभ आ गए। नहीं मतलब हमारे दादाजी खेला करते थे आगरे में, बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो, उन्हीं से हमने थोड़ा बहुत सीखा है तो थोड़ा बहुत। अंकल जी मैं क्या बोल रही हूँ, सब बोर हो रहे हैं, आप ना एक काम करो, आप ना हमको एक अच्छी सी गेम खिलाओ, हम सब खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। कौन सी गेम खिला दूँ, समझ ना आ रहा मेरे तो। पिंटू जी। हाँ जी। वैसे एक गेम हमें आती है, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं सच बताओ जी, कौन सा गेम है वे? इसमें या तो बंदा जो है बहादुरी काम करता है या बस सीधा सीधा सच बोलता है, इतना करना होता है, ज्यादा करना होता नहीं है भैया। ट्रुथ एंड डेयर, ये गेम आपने कहाँ से सीखी मामा? तो जेल में खिलवाते थे, तो जैसे हमसे डेयर करने के लिए बोलते तो जेलर हमसे कहता था जेल से भाग के दिखा। तो जैसे हम सच चुनते तो सच जो है बुलवा बुलवा के सारे गुना हमसे कबूल करवा लिया करता। ये गेम मुझे अच्छा लगा, चलो भैया यही खेलते हैं। ये खेलते हैं भैया, खेलो खेलो। इलायची सांजू, इलायची सांजू, इलायची। गेम खेलने दे पहले। हाँ चलो, अरे आइए सोनपाल जी, आइए आइए आइए। अरे भाई वाह सोनपाल जी, आइए आप भी खेल लीजिए दो दो हाथ। नहीं 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 आप लोग खेलिए, मैं तो किसी और इरादे से आया हूँ। अच्छा चल भाई ठीक है। पंचम तुम क्या चुनते बेटा? अरे ये कहाँ चुनेगा, इसकी जगह मैं चुनता हूँ, सच बोलेगा ये। क्यों, ये तो चीटिंग है पापा। जीजा जी डेयर भी तो चूज कर सकते हैं। अरे कोई डेयर वेयर ना है, इसकी बहादुरी के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ कर बैठा तो मेरी तो ग्राहकी मारी जाएगी। सच बोलेगा, मेरी दुकान का लड़का है, सीधा साधा लड़का है, और इसके पास ऐसा कुछ छुपाने के लिए है भी ना, सब कुछ सामने है, सच बोलेगा, बिल्कुल बोल भाई। अरे सेठ जी अब हम आपको क्या बताएं कि हमने अपने अंदर कितने सारे झूठ पाल रखे हैं। हाँ तो भाई पंचम ऐसा है, एक बात बोलना चाह रहे हैं कि भैया सबके सामने तुम अपनी जिंदगी का सच बोल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? कौन सा सच? अरे वही शादी शुदा होने का सच और काय का सच पूछ रहे हैं भाई, बोलो। हाँ
शादी का सच आपको सबको पता ही है, सबके सामने बुआ। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सच नहीं बोलोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? तुम बोल रहे हो या फिर मैं सबके सामने मैं बोल दूँ? बोलो क्या करना, फटाफट बोलो भाई, टाइम ना अपने पास। क्या क्या बोल रहे हैं आप, कौन सा सच सबके सामने? वैसे भी है ही, सबको पता ही है सच क्या है। यही कि तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारी बीवी नहीं है। तुम पति पत्नी बाद में, तुम दोनों पहले गहरे दोस्त हो। यही है तुम्हारी फलती फुलती शादी जिंदगी का सच। चलो मामा गेम आगे बढ़ाते हैं। किस करी, कोई देख लेता तो? नहीं जी के पापा, मैंने ना अंधेरे का फायदा उठाया। अरे किसकी बारी है, चलो आगे आगे बढ़ा यार, खेल को। मैं डेर लूंगी और ना मैं चलती हुई ट्रेन में ना एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाऊंगी, ठीक है? हाँ। अरे कोई डेर वेर ना होगा यहाँ पे, ना सच बोलेगी तू, सच सच चल ना ना सच वाला ही खेलो भैया, चल पूछ पूछ पूछ, चल तू पूछ। ये हमारी इलायची बेटी है, इसे कैसे कुछ होने देंगे भैया? तो इलायची तुम्हें सच बोलना है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि तुमने अपनी जिंदगी में सबसे एक बात छुपाई है। हाँ? कि तुम्हें किसी से बहुत ज्यादा प्यार है कि नहीं है? सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बता तू, बता तू, बता। खा माँ की कसम ना, तू खा खा माँ की कसम, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू बता रही है या फिर मैं सबके सामने बोल दूँ? बोल। अरे बोल ना, चुप क्यों है तू? मामा सच कह रहे हैं। क्या क्या चल रहा है, ये सब इलायची है? अरे बोल ना, चुप हो गई अब। अरे ये क्या बोलेगी बच्ची। मैं ही बोले जा रहा हूँ। एक बार इसके पास सोने की चैन रखी हुई थी, समझे जीजा? तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ दिनों के लिए चैन हमें दे दो। तो बोली मामा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस चैन से प्यार करती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे पापा ने दिए। बताओ कोई सोने की चैन से इतना प्यार करता है? बकवास मत कर, कुछ मजा ना आ रहा, चल ड्रामा कर रहे हैं इतनी देर से। दो बार धड़कने तूने मेरी बंद करवा दी दिल की, यही लेट जाता मैं अभी, पता है? बात कर रहा है बेकार की। भैया आ जाओ, अलीगढ़ अभी वालों है, आलू टिक्की खाएंगे। अरे यार लेकिन धीरे ना हो रही है यार, स्टेशन पहुंच के ब्रेक लगाया गया क्या? अरे यार स्टेशन तो निकल गए यार। अरे यार हमारी समझ में ना आ रही, क्या भद्र मचा रखी है यार। चलो यार टीवी से बात करते हैं, चलो यार चलो, पूरी कचौड़ी खावे को बहुत। अरे चलो कचौड़ी चलो यार, आगे बाकी लोग। अरे ये रुकी ना ट्रेन यहाँ पे, ट्रेन क्यों नहीं रुकी यार, पेट्रोल लेने थे, अब तो आगे कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं।
ललित अंकल अब मेरे लिए ना हाजमोला ले लेना अगर जाएंगे तो। अरे मैं तेरा कहाँ से अंकल हो रहा हूँ, हाजमोला बढ़िया है। सेठ जी कुछ तो गड़बड़ है, ये ट्रेन हमेशा यहाँ रुकती है। हा? अरे बोलता हूँ उससे ऐसे रहे हो जैसे इसकी हरी झंडी मेरे हाथ में, मैं चला रहा हूँ ट्रेन ये। पापा एक काम कीजिए, आप ना टीसी को बुला लीजिए, उसके बाद वो बता देंगे ना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब टीसी भाई साहब। हाँ जी आ रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ ये ट्रेन क्यों नहीं रुकी अभी तक, यहाँ पर रुकनी थी ना। टीसी साहब। जी जी। बड़ी बुरी खबर है। क्या? अबे ये कौन आदमी है जो ट्रेन में बुरी खबर फैला रहा है? अरे हमारे मोटरमैन हैं, ट्रेन चलाते हैं। अरे तो किसके भरोसे छोड़े आया ट्रेन भाई जी? सर देखिए ट्रेन तो ऑटो मोड पे है, अपने आप चल रही है, पर वो उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं सर। अरे क्या ब्रेक काम ना कर रहे हैं? मतलब ये ट्रेन नहीं रुकेगी। लेकिन कोई तो सिस्टम होगा इसे रोकने का। अरे क्या बात कर रहे हैं। हाँ ये ट्रेन चलती रहेगी सर, अब बिना ब्रेक के चलती रहेगी मतलब? अरे मैं इमरजेंसी ब्रेक भी लगा चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। क्या?